आप देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ। SDPI के राष्ट्रीय सचिव तस्लीम रहमानी और महासचिव मोहम्मद शफी का हुआ कटिहार आगमन, शहर के बुद्धिजीवियों से मुलाकात कर आगामी चुनाव पर चर्चा की। इस मौके पर निजी होटल में एक बैठक का आयोजन भी किया गया, जिसमें जिला तथा प्रदेश के दर्जनों SDPI सदस्य मौजूद रहे। पार्टी के आला नेताओं ने बताया कि SDPI बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस चुकी है। पार्टी के बढ़ते जनसमर्थन को देखते हुए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ज्यादा से ज्यादा सीटों से चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। सभी जिलों में पार्टी बूथ कमेटी के लीडरों से लेकर जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं की सभाएं की जा रही हैं। मैसेज बहुत साफ है कि अब गुलामी का जमाना खत्म हुआ, गुलामी का जवाब उतार के फेंके और अपनी कयादत के लिए आगे बढ़े, ये बिल्कुल साफ मैसेज है। और अच्छी बात यह है कि इस वक्त ग्राउंड पे सब लोगों के अंदर इतना कुछ भी मौजूद है कि हमको धोखा दिया गया है और अब उस धोखे का बदला लेने के लिए सब लोग खुद ही पहले से तैयार हैं। ऐसे में जब नया प्रेसिडेंट के सामने विकल्प आ रहा है तो विकल्प को लोग तेजी से मौजूद करें। अभी इलेक्शन सर पर है और सारी पार्टियां अपने अपने जोरों शोरों से कार्यकर्ताओं को सम्मेलन में जोड़ रही हैं, इस विषय में SDPI द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है? SDPI भी इलेक्शन की तैयारी कर रही है। हम ग्राउंड पर एक बहुत फोर्सफुल पार्टी हैं और यहाँ पर 12-14 जिलों में पार्टी की पूरा संगठन मौजूद है और हमारी लिस्टें तैयार हो रही हैं, जल्दी हम उनको डिक्लेयर करेंगे। और अलायंस भी SDPI बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जल्दी कुछ ना कुछ अलायंस जी। तो वही है जो यहाँ पर ऑन में खास लोग हैं उनके साथ एक इंटरेक्शन हुआ है, उनको पार्टी मैसेज दिया है। उससे पहले हमारे जितने कैडर्स हैं, अभी हम लोग पूरे ये आपकी स्पेशल सीमांचल के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें जो हमारे असेंबलीज के अंदर जो बूथ हैं उनके बूथ के लीडरान के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं। उनके साथ हमारी तमाम जो अभी यह सिचुएशन है उसमें हमने सबसे अहम चीज़ ये देखी कि हमारा जो कैडर है वो पूरी तरह से मुतमईन है और जोश में भी है। इस बार बहुत अच्छा फैसला कौन इस बार जो है फाइट होगी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यहाँ पर एक बहुत हौसले के साथ लोगों को हौसला देगी कि इस बार अल्टरनेट देने के लिए ऐसा एक मोमेंट सामने आ गया है। कटिहार की आवाम को क्या मैसेज देंगे आप? कटिहार की आवाम को ये मैसेज देना है कि हम लोग 70 सालों से तमाम लोगों को देख चुके हैं। जो जनप्रतिनिधि होता है या सरकारें होती हैं वो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं या जो हमारे बेसिक नीड्स हैं बात करना चाहिए रोटी कपड़ा मकान पर। जितनी भी सरकारें आ रही हैं तो मंदिर मस्जिद पर उठा हमको उठा के रखती हैं, वो जो मेन मुद्दे हैं उन पर अभी तक नहीं लेके आ रही है। इसलिए आवाम को एक होकर मुत्तहिद होकर इंसाफ का साथ देना चाहिए और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आज सड़कों पर दूसरा और कोई ऐसा पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो सड़कों पर आकर इस सरकार की जो पब्लिक के खिलाफ जो पॉलिसीज हैं उनके खिलाफ आकर बात कर रहे हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक मुतबादिल है लोगों के लिए और ऐसा एक आने वाले वक्त के अंदर एक उम्मीद है जिससे कि वो लोग अपना ये कह सकते हैं कि यहाँ लोकतंत्र में या संविधान के काम हो रहे हैं। यहाँ इशू यह है कि नेशनल लीडरांस आए थे तो उनसे हमें रोशनी हासिल करनी थी और आगे की रणनीति तय करना था। ये हमें पता चला कि इंशाल्लाह हम लोग जिस पार्टी से जुड़े हैं वो ऊपर में कम ही सही मगर ज़मीन के अंदर तक उसकी गहराई है और हमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह इसके लिए तैयार हैं। जी, क्या लगता है आपको इलेक्शन में कैसा आपका रुझान रहेगा? इंशाल्लाह इलेक्शन में देखें, इलेक्शन का फैसला आवाम का फैसला होता है, हम लोग आवाम के दरवाजे पर जाएंगे और उनको सच्चाई समझाएंगे। हमारे पार्टी में झूठ का कोई नामो निशान नहीं है, जो हक है वही बोलते हैं। उसके बाद आवाम फैसला करेगी, आवाम बताएगी इंशाल्लाह।